नमस्कार, दिनभर की ताजा खबरें लेकर हम हाजिर हैं सिटी बुलेटिन। मैं हूं शिवेंद्र शुक्ला। रेलवे विभाग द्वारा महामना रेलवे का शुभारंभ जरूर कर दिया गया है, लेकिन अभी इसकी व्यवस्थाएं सुचारू रूप से नहीं चल पा रही हैं। रेलवे रिजर्वेशन काउंटर भले ही शिफ्ट हो गया हो, लेकिन अभी खुला नहीं है। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी ने ज्योतिरादित्य सिंधिया का पुतला फूंका। और भी खबरें हैं, सबसे पहले देखते हैं आज की सुर्खियां। नई रेल हुई शुरू, लेकिन व्यवस्थाएं बदहाल। तीन तीन घंटे लेट आती है ट्रेन। रिजर्वेशन काउंटर शिफ्ट हुआ, लेकिन नहीं हुआ शुरू। ट्रॉमा सेंटर की शुद्धि को लेकर दिए गए ज्योतिरादित्य सिंधिया के बयान को लेकर भाजपा ने फूंका पुतला। जिले के 50 गांव और महोबा जिले के कुछ गांवों का भ्रमण करने के बाद किसान जागरण पदयात्रा का हुआ समापन। स्कूलों द्वारा शाला विकास के नाम पर उगाए जा रहे थे छात्र छात्राओं से पैसे। डीओ ऑफिस द्वारा न जांच न कार्यवाही, सिर्फ खाना पूर्ति। हेडलाइंस की बात करते हैं, खबरों को विस्तार। हमारे देश में अक्सर यही देखा जाता है कि व्यवस्थाएं पूरी नहीं होती हैं, लेकिन घोषणाएं कर दी जाती हैं और काम शुरू कर दिया जाता है, जिसका खामियाजा कई महीनों तक भोगना पड़ता है। कुछ ऐसा ही नई ट्रेन महामना एक्सप्रेस के साथ भी है। ट्रेन का उद्घाटन जरूर हो गया, लेकिन अभी व्यवस्थाएं पूरी तरीके से दुरुस्त नहीं है। यही वजह है कि लोगों को तीन तीन घंटे तक ट्रेन का इंतजार करना पड़ता है। ट्रेन का स्टॉपेज छतरपुर से सीधे टीकमगढ़ है, लेकिन इस बीच में जितने भी स्टेशन पड़ते हैं उन सारे स्टेशन पर ट्रेन को रोका जाता है। इसके अलावा रेलवे रिजर्वेशन काउंटर जो कि अभी बस स्टैंड में संचालित था, उसको शिफ्ट जरूर कर दिया है, लेकिन अभी भी ये काउंटर चालू न होने की वजह से लोग टिकट लेने को लेकर काफ़ी परेशान दिखे। लोगों का ये कहना है कि उन्हें तीन तीन घंटे तक रेलवे का इंतज़ार करना पड़ता है, जिससे उनका समय बर्बाद होता है। ट्रेन क्रॉस होना है मुझे, मैं 12:13 पे ट्रेन है और मैं 12:00 से वेट कर रहा हूँ लगातार। कोर्ट नहीं है स्टाफ को, कोई बताने को तैयार नहीं कि ट्रेन लेट हो रही है, किस वजह से लेट हो रही है, क्या हो रहा है, कुछ कुछ काउंटर में पता करने की कोशिश करने को, बताने को तैयार नहीं है। भाई यहाँ पर जो ट्रेन का जो समय इसका महाना मना कर दिया गया है, ये तो बड़ी लेट चल रही है। मैं 12:45 से यहाँ बैठा हुआ हूँ और अभी 3:10 हो गए हैं और अभी सुन रहे कि आ रही है ट्रेन, आ रही है, जिससे कि हमारे जो आने वाले लोग हैं या जाने वाले लोग हैं उन्हें परेशानी हो रही है। अशोक नगर में ट्रॉमा सेंटर के उद्घाटन को लेकर की गई बयानबाजी को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने इसे अपना राजनीतिक मुद्दा बनाया और उसके बाद कांग्रेस के सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया का पुतला फूंक डाला। दरअसल यहाँ ट्रॉमा सेंटर का उद्घाटन कराया गया था और उसके बाद कुछ बयानबाजी के चलते ऐसा हुआ। गोपीलाल जाटव नाम के शख्स द्वारा ये उद्घाटन किया गया था, इसमें भाजपा शामिल थी। इसके बाद ये बयान आया कि भाजपा ने इसको गलत तरीके से उद्घाटन कराया है और इसका शुद्धिकरण किया जाएगा। इसी के चलते भाजपा द्वारा पूरे प्रदेश भर में ज्योतिरादित्य सिंधिया का पुतला फूंका गया। छतरपुर में भी छत्रसाल चौराहे पर भारतीय जनता पार्टी जिलाध्यक्ष पुष्पेंद्र प्रताप सिंह सहित भाजपा के तमाम पदाधिकारी इस मौके पर शामिल रहे। अस्पताल के पोलो वार्ड को उद्घाटन में वहाँ के भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष जाटव जी जब उसका उद्घाटन करने गए और उसका उद्घाटन कर दिया, तो ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने ये बयान दिया कि वो अस्पताल अशुद्ध हो गया है और उसको हम शुद्ध करके और फिर उसका नए सिरे से उसका उद्घाटन करेंगे। उनकी ये सोच, उनकी सामंतवादी सोच को प्रदर्शित करती है। राजा महाराजाओं की जो हमारे देश में स्थिति रही है, ये उस सोच को प्रदर्शित करती है। भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से दलित, पिछड़े और दबे कुचले लोगों की आवाज़ बनके हिंदुस्तान में आज न केवल केंद्र में, राज्य में और केंद्र में स्थापित हुई है। लोकार्पण किया,
लोकार्पण करने के बाद कांग्रेस के नेता ज्योतिराव सिंधिया वहाँ पर पहुँचे और उन्होंने उनका विरोध किया। विरोध करने के बाद यहाँ तक नहीं कि उस ट्रॉमा वार्ड को उन्होंने गंगा जल से धुलवा कर ये कहकर कि वो दलित समाज के किसी व्यक्ति का हाथ लगा, इसलिए वो अशुद्ध हो गया है। कांग्रेस की ऐसी सोच, ज्योतिराव सिंधिया की ऐसी मानसिकता, जो दलित समाज के प्रति उनकी मानसिकता है वो उजागर हो चुकी है। इसका विरोध करके हम लोगों ने आज उनका पुतला दहन किया है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी जहां दलितों को सम्मान दिलाने के लिए, समान अधिकार दिलाने के लिए अभी बीच में ही हमारे दलित नेता गोविंद जी को राष्ट्रपति बनाती है, और दूसरी तरफ कांग्रेस के नेता हमारे दलित समाज पे ऐसे घिनौने हरकतें कर कहीं ना कहीं हमारे दलित समाज में, पूरे मध्य प्रदेश में, पूरे देश में दलित समाज का जो उन्होंने अपमान किया है वो हम लोग सहेंगे नहीं। आज हम राष्ट्रीय चेतना मंच द्वारा किसान जागरण पदयात्रा निकाली गई, जिसमें जिले के लगभग 50 गांव और इसके अलावा महोबा जिले के कुछ गांव में भ्रमण किया गया। वहां किसानों से उनकी समस्याएं जानी, उन्हें खेती किसानी के गुर भी सिखाए गए और जैविक कृषि के महत्व के बारे में बताया। जागरण यात्रा का समापन गांधी आश्रम में हुआ। ये यात्रा 8 जुलाई से लेकर 24 जुलाई तक चली। 8 तारीख से शुरू हुई थी और जो 24 तारीख को आज समापन है। ये किसानों की कुछ समस्याओं को लेकर चली थी कि जिसमें मुख्य है उनका, उनके जो रेट हैं, जो चीज़ें उगाते हैं, जो भी उनका जो भी उसमें लगाते हैं वो लागत, तो उससे ज़्यादा उनको मिल नहीं पाता उनको रेट, तो इस चीज़ पे और जो भी समस्याएं हैं उनकी दरिद्रता को लेके और जो आपसी समस्याएं हैं उन पर चर्चा करने के लिए हम लोग निकले थे। पेप्टिक टाइम ने एक खबर दिखाई थी जिसमें हायर सेकेंडरी स्कूल क्रमांक 2 और MLB स्कूल में शाला विकास के नाम पर छात्र छात्राओं से राशि की वसूली की जा रही थी। इस बात को लेकर DO ऑफिस द्वारा सिर्फ एक खानापूर्ति की है, न तो इसमें कोई जांच की गई है, न कार्यवाही की गई है, सिर्फ एक पत्र लिखकर शासन के नियमों के तहत फीस लेने की बात कही गई है। ये आप लोगों के माध्यम से मुझे सूचना प्राप्त हुई थी कि अवैधानिक रूप से फीस वसूली की जा रही है, उसके संबंध में हमने सभी विद्यालयों को मान्य पत्र जारी कर दिया है कि शासन द्वारा निर्धारित फीस मान्य जो है विद्यालय से छात्रों से वसूली पालकों से लिखता है। अब इसके लिए हम वरिष्ठ अधिकारी को सूचित करेंगे और उसमें स्पष्टीकरण जारी करेंगे। अभी यह सूचना प्राप्त होती है। सावन के तीसरे सोमवार को भगवान मतंगेश्वर का दर्शन करने के लिए खजुराहो में भक्तों की काफ़ी भीड़ देखी गई। यहां पर रुद्राभिषेक किया गया और लोगों ने मनोकामना भी मांगी, साथ ही साथ पूजा पाठ के आयोजन भी यहां पर हुए। बड़ी संख्या में क्षेत्र के लोग यहां अपनी मनोकामना पूर्ण करने के उद्देश्य से मनौती मांगने पहुंचे थे। इस श्रावण के महीने में श्रावण सोमवार के दिन एवं 12 महीने देश विदेश के लाखों में प्रतिदिन आती हैं श्रद्धालुगण, यहां आते हैं और भगवान के दर्शन करते हैं और उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। अल्प वर्षा की वजह से किसानों के चेहरे मुरझा से रहे हैं। दरअसल शुरुआत में जिस तरीके से वर्षा की घोषणा हुई थी, देखा जाए तो प्रदेश और देश के बाकी क्षेत्रों में काफी पानी बरस रहा है, बाढ़ भी आ रही है, लेकिन छतरपुर और आसपास के क्षेत्र में अल्प वर्षा की वजह से किसान परेशान है। उतनी अच्छी तो नहीं हो पा रही है, सूख रही है, कुछ बो नहीं पा रहा है जो बोना चाहिए, इसलिए कमजोरी तो किसान को रहना ही है। भरण पोषण के लिए पूरा होना भी मुश्किल है और हर किसान से परेशान है किसान। श्रीमान जी, बारिश तो बिल्कुल छोटी ही हो रही है और जो है इसमें फसल उगने की कोई ऐसी बात नहीं है कि फसल हो सके, और फसल में जो है नुकसान अलग से हो रहा है जो कि बीज निकलना मुश्किल है, क्योंकि ये छतरपुर जिला में एक ऐसा है कि सबसे कम पानी गिर रहा है और ये अपने दूर दूर तो बेसिस पानी गिर रहा है लेकिन यहाँ नहीं गिर रहा है। बारिश तो कम ही हुई है, यानी ना के बराबर है, फसलों तो सूख रही हैं और जो बची खुची है वो सूखने ही जा रही हैं, और जो सूखने जा रही वो पानी ना होने के कारण सूखने जा रही हैं। पानी तो अपने यहाँ बहुत ही कम मात्रा में, हमें तो लगता है कि शायद ये जो 2-3 इंच अंदर गया हो, 3 इंच से ज़्यादा पानी नहीं गया है अंदर। इंद्रदेव से ये अपेक्षा करते हैं कि पानी बरसावे, उचित मात्रा में बरसावे, अनुचित मात्रा में नहीं कि कहीं बाढ़ कर दें और कहीं पर बिल्कुल पानी न बरसे। शहर के संकट मोचन परिसर में पौधे रोपे गए। यहाँ पर आदर्श पत्रकार संघ के अलावा अग्रवाल महिला महासभा सहित लगभग
5 अन्य संगठनों ने पौधारोपण किया और इन पौधों को सहेजने का संकल्प लिया। आदर्श जिला पत्रकार संघ की ओर से संकट मोचन मंदिर प्रांगण में पौधारोपण का आयोजन किया गया। चूँकि संगठन लगातार सामाजिक और सामाजिक सरोकार से जुड़े हुए जो कार्य हैं उनको करता रहता है, हरियाली महोत्सव के तहत इस आयोजन को यहाँ पर संकट मोचन मंदिर में किया गया है। और पौधारोपण के साथ साथ संगठन ने जिम्मेदारी ली है कि जो जो पौधे रोपे गए हैं उनकी बराबर परवरिश और देखभाल की जाएगी। संकट मोचन मंदिर में हम महिला महासभा की तरफ से वृक्षारोपण किया गया और साथ में ये भी बताया गया है क्योंकि प्रकृति से खिलवाड़ करना एक अलग चीज़ होती है। प्रकृति हमारे लिए कुछ देती ही है और पॉल्यूशन वातावरण आज के समय में क्या हो गया है, लोग घर बहुत बना लेते हैं लेकिन पेड़ पौधों का कोई महत्व नहीं रह गया, जबकि वो हमारे जीवन के प्राण रक्षक है, एक औषधि का भी काम करते हैं। तो हम लोगों को सोचना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा, अधिक से अधिक, नहीं तो फिर दो दो पेड़ पौधे लगाने का प्रयास हर साल करना चाहिए। सडई रोड पुलिस ने सडई रोड से 2 आरोपियों को पकड़ा है जिनके पास से 2 कट्टे और कारतूस भी बरामद किए गए हैं। ये आदतन अपराधी हैं और इन पर कई केस पूर्व से ही चल रहे हैं। आरोपियों को पकड़ने के बाद इन्हें सड़क पर सभी के सामने घुमाया गया जिससे कि आरोपियों को लोग पहचान सके और इनका खौफ कम हो सके। इन अपराधियों में बोनी सरदार जो कि रासुका का वारंटी है और इसके अलावा राजेश साहू को पकड़ा गया जिसके ऊपर 8 केस चल रहे हैं। 2 बदमाश आज पकड़ा है, मुखबिर सूचना मिली थी, एसपी साहब के मार्गदर्शन में गुंडों पे कार्रवाई हो रही है। आज मुखबिर सूचना मिली थी, एक बोनी और दूसरा राजेश साहू जो गोरई रोड में बैठे हुए और इनके पास किसी घटना को अंजाम देने के लिए सटाई तरफ जा रहे हैं, उनकी घेराबंदी करके इनको पकड़ा गया है एसपी साहब के मार्गदर्शन में। तो इनके पास दोनों के पास एक एक देसी कट्टे और 4 जिंदा कारतूस मिले हैं। बोनी सरदार पिछले 1 साल पहले जिला बदर था 1 साल के लिए और अभी भी NSA का वारंट है इसके पास, तो NSA का वारंट है इसका, NSA जो कि अभी उसमें वारंट है तो उसमें भी जेल दाखिल करेंगे। दोनों के खिलाफ 25-27 आम सेट का मुकदमा दायर करेंगे इनको न्यायालय के सामने। शहर के मरी माता मंदिर में दद्दा शिष्य मंडल द्वारा शंख शिवलिंग निर्माण कार्यक्रम का आयोजन रविवार को किया गया। इस मौके पर पंडित देव प्रभाकर शास्त्री भी मौजूद रहे। मरई माता सेवा समिति द्वारा सन 2010 से प्रत्येक माई की अमावस्या को शिव जी का महारुद्र से कन्या भोज भंडारा और वृद्धाश्रम में वृद्धजनों को भरपूर भोजन प्रसादी का कार्यक्रम परम पूज्य दद्दा जी के आदेश से मरई माता मंदिर में महामारा ट्रेन की चपेट में एक 50 वर्षीय महिला आ गई। उसका हाथ ट्रेन की चपेट में आ जाने की वजह से दुर्घटनाग्रस्त हो गया। बताया जा रहा है कि भगवती बुनकर नाम की 50 वर्षीय महिला रेलवे ट्रैक के आसपास बकरी चरा रही थी और उसी दौरान यह हादसा हुआ। इसके बाद रेलवे स्टाफ उसे छतरपुर लेकर आया जहाँ पर उसका इलाज कराया गया। तो या तो बाबूजी हम बैठे ट्रेन पे, हम भी बैठे थे तो जो तो हम खिड़की बैठा रही थी तो जब पटरी के अगर बैठी थी वो छिन जाती थी तो इन्हें कहो कि मैं ऐसी सड़क के खा लिया हो जाओ तो इनको हाथ पड़ेगा, उसे जो हाथ चल नहीं पाई। संकट मोचन तालाब में एक महिला के कूदने की खबर मिलते ही वहां खड़े हुए आसपास के लोगों ने उस महिला को बचाकर किनारे किया। दरअसल महिला अपने पति से काफी प्रताड़ित है और इसके अलावा उसने ना अपना नाम पता बताया और ना ही और कुछ जानकारी दी। हमने काफी आवाज लगाया, खींच के आवाज लगाया तो दो तीन लड़के थे, काफी लोग जमा हुए, निकाली। चौरसिया समाज द्वारा सत्संग भवन में एक बैठक का आयोजन किया गया जिसमें नागपंचमी महोत्सव मनाने को लेकर विचार विमर्श हुआ। इसमें आगामी 27 और 28 तारीख को विधिवत तरीके से नागपंचमी का पर्व मनाए जाने को लेकर चर्चाएं हुई। देखिए चौरसिया समाज ने इस बार नागपंचमी के पर्व पर कई सारे परिवर्तन किए हैं, खासतौर से युवाओं ने जो हम लोगों को सजेस्ट किया कि इस बार सबसे पहले तो ये करें कि जो गरीब बच्चे हैं चौरसिया समाज के, निर्धन बच्चे हैं और जिनके अंदर बहुत अच्छा टैलेंट है तो उनको आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाए ताकि वो अपना प्रशिक्षण और शिक्षण दोनों ही करते रहें। इसके लिए एक बजट बनाया जाएगा, इसकी घोषणा और इस पर विचार किया गया। साथ ही 15 अगस्त के दिन हमारे ही परिसर में इस बार ध्वजारोहण भी होगा, वृक्षारोपण का कार्यक्रम होगा और शीघ्र ही एक स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया जाएगा।
नाग पंचमी चौरसिया दिवस महोत्सव 2017 का जो कार्यक्रम है 27 तारीख को हमारे समाज के प्रतिभावान होनहार बच्चों के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रम रखा गया है। वो अपनी प्रस्तुतियां मंच पर देंगे। उसी दिन उनको जो प्रतिभा 10वीं 12वीं या किसी भी परीक्षा में जिसने अच्छे अंकों से पास की है उनको भी सम्मानित किया जाएगा समाज के द्वारा। इसका इस बार कार्यक्रम को बहुत भव्य बनाया गया है और इसके लिए बहुत से 2,500 लोग एकत्रित होंगे। इसमें बहुत अलग अलग प्रकार की विशेषताएं हैं इस बार और कई संकल्प लिए जाएंगे, कई नए कार्यक्रमों की घोषणा की जाएगी जिससे अपने समाज की और सोसाइटी के लोगों को उसका फायदा मिलता है। आंध्र प्रदेश से रायबरेली जा रहा मछलियों से भरा ट्रक ढड़ारी के पास पलट कर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। दरअसल सामने से आ रही एक तेज रफ्तार टैक्सी को बचाने के चक्कर में यह हादसा हुआ। उसका चार व्हील ऑटो आ रहा, फोर व्हील ऑटो आ रहा, वो कार वार खराब हो गया, उसका स्पीड से आ रहा, हम ब्रेक मारेगा, वो स्पीड से आने को वो सारा तीन आदमी मर जाते हैं, हम रास्ते उतर गया। नामदेव समाज द्वारा सरानी दरवाजे पर स्थित समाज के मंदिर में पूजा अर्चना की, यहाँ पर रामायण का पाठ किया गया और प्रतिवर्ष इस तरह का आयोजन समाज के द्वारा किया जाता है। इसके अलावा समाज के गणमान्य नागरिकों का सम्मान भी किया गया। प्रतिवर्ष की भांति श्रावण मास के महीने में जिला नामदेव समाज द्वारा नामदेव समाज मंदिर पर रामायण बैठ की शिव रुद्राभिषेक, हवन, भंडारा एवं नगर के गणमान्य नागरिक वरिष्ठ समाज सेवियों के सम्मान में एक प्रोग्राम रखा गया था जिसमें समस्त नामदेव समाज उपस्थित हुई है, समस्त गणमान्य नागरिक उपस्थित हुए हैं। इसी कार्यक्रम में आगे प्रोग्राम और बढ़ता चला जा रहा है। ट्रांसपोर्ट नगर के दुकानदारों ने नगर पालिका को एक ज्ञापन सौंपा है जिसमें कहा गया है कि वे लोग रात 10-10, 11-11 बजे तक काम करते हैं लेकिन यहाँ विद्युत व्यवस्था न होने की वजह से उन्हें अंधेरे में काम करना पड़ता है जिससे कई बार वे दुर्घटनाग्रस्त भी हो जाते हैं। और मेरे साथ ये ट्रांसपोर्ट नगर के सारे मिस्त्री लोग आज आए हैं और इन्होंने बताया कि ट्रांसपोर्ट नगर में पिछले एक माह से बिजली ना हो जाने के कारण कि रात में 10 बजे तक ये लोग काम करते हैं तो उधर पर लोगों को काम करने में दिक्कत आ रही है। और ये एक बार और CMO को ज्ञापन दे सकते हैं, उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई रही है। अगर जल्दी कोई कार्रवाई नहीं हुई तो हम लोग और आंदोलन करेंगे। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। चलते चलते एक बार फिर से नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। नई रेल हुई शुरू लेकिन व्यवस्थाएं बदहाल। 3-3 घंटे लेट आती है ट्रेन। रिजर्वेशन काउंटर शिफ्ट हुआ लेकिन नहीं हुआ शुरू। ट्रॉमा सेंटर की शुद्धि को लेकर दिए गए ज्योतिरादित्य सिंधिया के बयान को लेकर भाजपा ने फूंका पुतला। जिले के 50 गांव और महोबा जिले के कुछ गांवों का भ्रमण करने के बाद किसान जागरण पदयात्रा का हुआ समापन। स्कूलों द्वारा शाला विकास के नाम पर उगाए जा रहे थे छात्र छात्राओं से पैसे। DO ऑफिस द्वारा न जांच न कार्यवाही, सिर्फ खाना पूर्ति।